हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि होंगे सीडीपी सेक्शन से। स्टार्ट करेंगे एसटेट और सुपर टेट के लिए स्पेशली ये सेशन रहेगा, बाकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं बार बार। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये क्वेश्चंस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाएं। ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, सारे लिंक्स जो हैं वो गिवन हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज। सबसे ज़रूरी क्वालिटी कौन सी है एक इफेक्टिव, एक प्रभावी शिक्षक की? फैंसी राइटिंग, अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, या फिर गुड रैपोर्ट विद द स्टूडेंट्स, या अ गुड मोटिवेटर? खुद सोचें, आसान सा क्वेश्चन है ये तो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए एक इफेक्टिव टीचर की? तो अ गुड मोटिवेटर, एक अच्छा अभिप्रेरक होना चाहिए ताकि अपने जो बच्चे हैं वो ज्ञान का निर्माण स्वयं भी कर पाएं और बेहतर तरीके से सीख पाएं, लर्निंग बेहतर हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ द वेज टू डील विद द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब कि एक तरीका है जो बच्चों की जो सेक्सुअलिटी का डेवलपमेंट है प्यूबर्टी के टाइम पर, टीन एज में, उससे डील करने का कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म बेहतर होगा? सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन, कॉम्पेंसेशन या रैशनलाइजेशन? तो बिल्कुल सब्लिमेशन एक मैच्योर टाइप है, और सब्लिमेशन का मतलब है कि आप एनर्जी को, वो जो लिबिडो है या जो वो अर्ज है, उसको आप परिवर्तित कर दे रहे हैं किसी एक्सेप्टेबल थिंग में या सोशली एक्सेप्टेबल वे में। तो सब्लिमेशन हुआ इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द डेवलपमेंट दैट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस दैट इज हेड टू फुट इज टर्म्ड एज। मतलब हेड टू टो जाता है सर से पैर, कौन सा जो आपका डेवलपमेंट है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर काम करता है? सेफेलोकॉडल है, प्रॉक्सिमोडिस्टल है, इंटर रिलेशन है या इंटीग्रेशन है? खुद सोचें। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, सेफेलोकॉडल, स्रोध पदोन्मुखी इसको हिंदी में कहते हैं, मतलब सर से पैर जाना सेफेलोकॉडल। प्रॉक्सिमोडिस्टल अगर होता तो ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होता, ये फिर आपका सेंटर टू पेरीफेरी होता, प्रॉक्सिमोडिस्टल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय। तो सिंगल फैक्टर थ्योरी या यूनि फैक्टर थ्योरी भी इसको कह देते हैं, इंटेलिजेंस का, बुद्धि का कौन सी एक थ्योरी है, किसने दी है? एल्फ्रेड बिने ने, थॉर्नडाइक ने, फ्रीमैन ने, या नन ऑफ दीज? तो खुद सोचें, सिंगल फैक्टर या यूनि फैक्टर जिसमें सिर्फ एक फैक्टर की, एक तत्व की बात की है बुद्धि की, वो है एल्फ्रेड बिने की थ्योरी, जिसमें उन्होंने जनरल फैक्टर मतलब सामान्य तत्व की बात की है बुद्धि के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following does not belong to the categories of coping strategies that women commonly engaged in? मतलब कि इनमें से कौन सी एक कैटेगरी नहीं है जिस तरह से जो वेमेन हैं, जो महिलाएं हैं, कोप करती हैं सिचुएशंस के साथ? एक्सेप्टेंस, रेसिस्टेंस, रिवोल्यूशन या एडेप्टेशन? तो नहीं पूछा है यहाँ पर, तो ये होगा आपका रिवोल्यूशन, विद्रोह नहीं करती हैं जो महिलाएं हैं ज़्यादातर, या तो एक्सेप्ट करती हैं, रेसिस्ट करती हैं या अडेप्ट करती हैं। ये बेसिकली हार्ड वायर्ड नेचर कह सकते हैं, जो भी इमोशनल आस्पेक्ट कह सकते हैं, तो रिवोल्यूशन इसका राइट आंसर हुआ। जनरली ऐसा होता है कि रिवोल्यूट नहीं करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द सुपर ईगो इज द डायरेक्ट एंटीथेसिस ऑफ इद। दिस स्टेटमेंट इज, मतलब सुपर ईगो जो है डायरेक्ट एंटीथेसिस है किसका? इद का। तो ट्रू है, फॉल्स है, पार्शियली ट्रू है या एब्सर्ड इन नेचर? खुद सोचें, एंटीथेसिस मतलब कि बिल्कुल ऑपोजिट है सुपर ईगो किसके? इद के। तो बिल्कुल सही बात है, इद आपका पूरी तरह से अनकॉन्शियस होता है और सुपर ईगो कॉन्शियस है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। ये मॉरेलिटी प्रिंसिपल पर काम करेगा और ये आपका प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करेगा इद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म डेवलपमेंट इंक्लूड्स। डेवलपमेंट मतलब कि विकास अपने अंदर क्या क्या चीज समाहित कर लेता है? ओनली स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, ओनली फंक्शनल चेंजेस आएंगे, बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस, या नन ऑफ दीज? तो विकास के अंदर आप जानते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के चेंज आ जाते हैं, आपकी ग्रोथ, आपकी मेच्योरिटी, सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है डेवलपमेंट। तो आंसर क्या होगा सीधा? बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस। स्ट्रक्चरल मतलब जो आपकी फिजिक्स से संबंधित है, आपके स्ट्रक्चर से संबंधित है, फंक्शनल मतलब आपके माइंड से संबंधित हो सकते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस। तो बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द रिमूवल और विदड्रॉल ऑफ अ नेगेटिव रीइंफोर्स। मतलब अगर आप किसी एक नेगेटिव रीइंफोर्स को, या कोई भी ऐसा तत्व है आपके आसपास जो नेगेटिव है, उसको विदड्रॉ कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो क्या होगा आपका जो रिस्पॉन्स होगा उसमें क्या परिवर्तन आएगा? फर्स्ट इज डिक्रीजेज द अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर, इंक्रीजेज द अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर, ब्रिंग्स नो चेंज इन बिहेवियर, या नन ऑफ दी अबव? खुद सोचें, तो बिल्कुल यहाँ पर जब आपने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को हटा लिया है तो सीधी सी बात है जो बिहेवियर है वो इंक्रीज हो जाएगा, रिस्पॉन्स इंक्रीज हो जाएगा, उसकी अकरेंस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द पिक्चर ऑफ अ हॉर्स इज।
एक घोड़े की पिक्चर से सीखना क्या कहलाएगा? एन आइकॉनिक स्टिमुलस, कॉन्क्रीट स्टिमुलस, सिग्नल स्टिमुलस या सिंबॉलिक स्टिमुलस? तो बिल्कुल पिक्चर से सीख रहा है। तो अगर हम बात करें ब्रूनर की, तो उन्होंने तीन टाइप के बारे में बात की है। तो ये आइकॉनिक है, मतलब आइकॉन से, पिक्चर से सीखना। और बात होती अगर यहाँ पर कॉन्क्रीट की, या कहें तो एनएक्टिव लर्निंग, उसको उन्होंने कहा है ब्रूनर ने। और तीसरी एक है सिम्बॉलिक। तो बिल्कुल आइकॉनिक इसका राइट आंसर हुआ, क्योंकि पिक्चर से सीखने की बात हो रही है। नेक्स्ट है इंसिडेंटल लर्निंग मीन्स। इंसिडेंटल लर्निंग का क्या मतलब है? लर्निंग थ्रू इंसिडेंट्स, अनइंटेंशनल लर्निंग, लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम, या प्लान्ड लर्निंग। खुद सोचें, इंसिडेंटल लर्निंग मतलब किसी एक इंसिडेंट से सीखना, तो बिल्कुल अनप्लान्ड लर्निंग या अनइंटेंशनल लर्निंग इसको कहेंगे, जो कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, प्लान नहीं थी, कोई इंटेंशन नहीं थी, बट आपने किसी एक इंसिडेंट से सीख ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। आई स्पेंट माई चाइल्डहुड डेज इन शिमला। किसी बच्चे ने या किसी व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपने चाइल्डहुड डेज को शिमला के अंदर बिताया है। तो ये जो कहानी याद की है इन्होंने, ये किस तरह की मेमोरी है? लॉन्ग टर्म है, प्रोसीजरल है, एपिसोडिक है, या फिर सिमेंटिक है? खुद सोचें, अगर मैं बात करूँ ये, तो आपकी सीधी सीधी एपिसोडिक मेमोरी है। आपके जीवन के जो एपिसोड्स हैं आपके दिमाग में होते हैं, तो ये एपिसोडिक मेमोरी है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी आप जानते हैं, एपिसोडिक मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी का ही पार्ट है। प्रोसीजरल मतलब कोई प्रोसीजर अगर होता, सिमेंटिक मतलब जो आपने किताबों में या कोई भी आपकी डेफिनेशन काइंड ऑफ जो चीज़ें होती हैं, वो सिमेंटिक में आ जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू प्याजे, ईगोसेंट्रिक इज, मतलब ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है बच्चे के लिए? एनवायरमेंट इज द सेंटर ऑफ द नॉलेज, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम, या सेंसरी मोटर स्टेज, या नन ऑफ दीज? बताएं एक बार। ईगोसेंट्रिक होने का मतलब है चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम, मतलब बच्चा पूरे वर्ल्ड का एक केंद्र है। जैसे वो फील करता है वैसे सभी फील करते हैं, जैसा वो सोचता है वैसा सब सोचते हैं। ये एक मतलब है ईगोसेंट्रिक होने का। प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में ये कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है प्याजे की स्टेज में। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का एक कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। यू वॉन्ट टू डेवलप कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट इन स्टूडेंट्स। आप अपने जो विद्यार्थी हैं उनमें कोऑपरेशन, सद्भावना जगाना चाहते हैं, टीम स्पिरिट को जगाना चाहते हैं। कौन सी एक्टिविटी को आप प्रेफर करेंगे? डिबेट, क्विज, आर्ट या प्रोजेक्ट? तो खुद सोचें यहाँ पर आंसर क्या होगा। कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट, एक दूसरे की हेल्प करना, पीयर लर्निंग, सब कहाँ आएगा? प्रोजेक्ट मेथड में। तो बिल्कुल ठीक बात है। या प्रोजेक्ट मेथड भी नहीं, तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट भी दे दिया तब भी बच्चे मिलकर के, जुड़ करके सीख रहे हैं। और प्रोजेक्ट मेथड की बात करें तब भी बात वही है। और ये किसने दिया है प्रोजेक्ट मेथड? तो W.H. Kilpatrick ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस? मतलब कि ऐसी एजुकेशन जिसको बिना किसी एक पर्पस के फिक्स्ड पीरियड भी नहीं है और ना फिक्स्ड प्लेस है, बस ऐसे ही सीख लिया है, तो किस तरह की लर्निंग है? इनडायरेक्ट एजुकेशन है, इंडिविजुअल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, या फॉर्मल एजुकेशन है? खुद सोचें, ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है। तो इनफॉर्मल लर्निंग मतलब कि अपनी ज़िंदगी से सीखना, कोई फिक्स्ड, यहाँ पर कोई करिकुलम नहीं है, कोई जगह फिक्स नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है, फिर भी आप सीखते रहते हैं, तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन जो आपके स्कूल कॉलेज में रेगुलर एजुकेशन है वो फॉर्मल है, और नॉन फॉर्मल की बात करें तो ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो एजुकेशन देती हैं वो नॉन फॉर्मल कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आज के लिए लास्ट। अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉ एंड वॉज, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर, शी ही इज सफरिंग फ्रॉम। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स में। सॉ एंड वॉज में अंतर नहीं कर पा रहा बच्चा, न्यूक्लियर और अनक्लियर में नहीं कर पा रहा, डॉग और गॉड में नहीं कर पाएगा। किस तरह की एक ये डिसऑर्डर है? डिसलेक्सिया है, वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर है, डिसमॉर्फिया है, या फिर ऑटिज्म है? तो ये डिसलेक्सिया है, जो रीडिंग डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया, इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। डिस्ग्राफिया हो तो लिखने से संबंधित, डिसकैलकुलिया हो तो कैलकुलेशन से संबंधित, मैथमेटिक्स से संबंधित, तो ये रीडिंग डिसऑर्डर डिसलेक्सिया कहलाता है। डिसमॉर्फिया आपकी शेप से संबंधित होता है, ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आज के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, ये वीडियो पसंद आया होगा, रिवीजन हुआ होगा, आउट ऑफ 15 आपके कितने ठीक हुए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ। ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।